मथुरा वृंदावन से, उत्तर प्रदेश से अभिषेक घिल्डियाल जी हैं। इन्होंने एक प्रश्न किया है कि मुझे गुरुजी जानने की बहुत इच्छा है कि क्या जो व्यक्ति भागवत कथा आदि करते हैं वे कथा वक्ता 13वीं एकादशा द्वादशा त्रिपिंडी श्राद्ध आदि ऐसे पितृकर्म भी कर सकते हैं क्या, या जो पुरोहिती कर्म करते हैं या ऐसा कर्म करते हैं वे कथा कर सकते हैं क्या? ठीक है, मतलब पितृकर्म कराने वाले ब्राह्मण को कथा करनी चाहिए, यज्ञ आदि करनी चाहिए क्या? यज्ञ इत्यादि कर्म करने वाले कथा करने वालों को पितृकर्म करना चाहिए, श्राद्धादि कर्म कराना चाहिए? ये प्रश्न है, देखिएगा, विचार करें भाई। ये कर्म भी ब्राह्मणों के द्वारा ही करने के लिए कहा गए, कहे गए, चाहे वो कोई भी श्राद्ध कर्म हो, पितृकर्म हो या देव कर्म, वो सब ब्राह्मणों के लिए ही कराने के लिए कहे गए। तो कराने में तो कोई दोष नहीं है। जैसे इतिहास पर दृष्टि डालें, आज तक कहीं भी किसी के यहाँ किसी भी महापुरुष ने दो उपरोहितों को रखा है क्या कि भाई पितृकर्म कराने के लिए एक अलग से पुरोहित और देव कर्म यज्ञ आदि संस्कार आदि कराने के लिए अलग पुरोहित हो? ऐसा तो नहीं देखा गया है। वशिष्ठ आदि महामुनि जिन्होंने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का नामकरण से लेकर सभी संस्कार कराए और भी गर्भाधान आदि संस्कार भी उन्होंने संपन्न करवाए, सब यज्ञ आदि उन्होंने ही करवाए, और बाद में जब महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का जो है स्वर्गारोहण हुआ, देहांत हुआ, तब उन्होंने वो सब कर्म करवाए भरत जी के द्वारा। राम जी का राज्याभिषेक भी उन्होंने करवाया, तो कोई विप्रतिपत्ति थी क्या? कोई वैमनस्यता हुई थी क्या? कोई शास्त्र निषेध वो नहीं मानते क्या? अर्थात हो सकता है। हाँ, जहां निषेध किया गया है वो ये है कि वहां श्राद्ध में भोजन करना है कि नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किसके यहाँ खाना है, किसके यहाँ यजन याजन कराना है कि नहीं कराना है, इस पर विधि निषेध जो शास्त्रों में है उस पर विचार करना है। परंतु ऐसा कहीं निषेध नहीं है कि ये जो पिंडदान आदि जो ब्राह्मण करवाते हैं और कभी जो है वे कथा नहीं कह सकते हैं, भागवत का पाठ नहीं करवा सकते हैं या यज्ञ आदि नहीं करवा सकते हैं, संस्कार नहीं करवा सकते, ये सब ठीक नहीं है। करवा सकते हैं, सब कर सकते हैं। इसी प्रकार ये जो कथा, अगर कोई कथा करता भाई हम तो कथा करते हैं, हम पढ़ाते हैं, हम ये करते हैं, तो अब हम ये कर्म कैसे करें? नहीं, वो आप कर्म कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो सावधानी बताई गई है, जो शास्त्रों ने निर्देश किया है कि ये करें ये न करें, ये बात है। अगर फिर उसमें जो लोग लेते हैं, दान लेते हैं, सावधानी नहीं बरतते हैं या जो निषेधों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो इसी तारतम्य से शास्त्रों में फिर विधान है कि ऐसा ऐसा पालन करने वाला, ऐसा ऐसा विधान करने वाला उत्तम ब्राह्मण है, ऐसा करने वाला मध्यम है, ऐसा करने वाला निकृष्ट है, वो अलग बात है। परंतु वो अगर योग्य है और उस व्यक्ति उस कर्म का अधिकारी है तो वो कर्म करा सकता है, इसमें कोई निषेध नहीं है। एक कालावच्छेदन नहीं करे कि यहाँ गए जो है और तुरंत ही किसी का जो शमशान में दाह आदि करवाया है और बाद में फिर ये जो है तुरंत वहां करके कथा पे बैठ गए, ये करने लगे, तो ऐसा नहीं। जहाँ जो जिस कर्म में आप जो है दीक्षित हैं, जिस कर्म करने के लिए आप नियुक्त हैं, उसको आप करें, वो हो जाए तो फिर आप जो है फिर दूसरा भी कर सकते हैं। तो स्पर्श का विधि निषेध आदि का ध्यान रखते हुए और योग्य ब्राह्मण दोनों ही कर्म
सदा कर सकते हैं, पितृकर्म और देव कर्म। आप यूं देखें वेद में भी देख ले तो पिंड पितृयाग होता है, वेद में ही वर्णित है। तो पिंड पितृयाग में भी तो पितृकर्म ही है, पिंड दान आदि होते ही है, तो ये सब होता है कि नहीं? तो इसी दृष्टि से ये सब कर्म हो सकते हैं। हर हर महादेव।